प्रतिवर्ष अषाढ़ी बीज निमित्ते भगवान जगन्नाथनी सौथी मोटी अने भव्य रथयात्रानुं अमदावादमां आयोजन करवामां आवे छे। आज प्रकारे राज्यना अलग शहेरोमां पण अषाढ़ी बीज निमित्ते भगवान जगन्नाथजीनी रथयात्रानुं आयोजन करवामां आवतुं होय छे, जेमां राजकोटमां छेल्ला 12 वर्षोथी जगन्नाथजी मंदिर अने कैलाशधाम आश्रम द्वारा रथयात्रानुं आयोजन करवामां आवे छे, जेमां भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा अने भाई बलभद्रा त्रणेय अलग अलग रथ पर सवार थई अने नगरचर्याए निकळे छे अने शहेरीजनोने दर्शन आपे छे। परंतु आ वर्षे कोरोना वायरसनी महामारीने लईने रथयात्रानी तमाम तैयारीओ तो शुरू करी देवामां आवी छे, ज्यारे बीजी तरफ मंदिर द्वारा सरकार पासे रथयात्रा काढवा माटेनी मंजूरी मांगवामां आवी छे। त्यारे आ वर्षे रथयात्रा निकळशे के केम ते अंगे सरकारना निर्णય बाद ज नक्की करवामां आवशे तेवुं मंदिरना महंते जणाव्युं हतुं। वधुमां तेमणे कह्युं के प्रतिवर्ष आ रथयात्रामां भगवान जगन्नाथजीना 3 रथ साथे अन्य वाहनों अने भजन कीर्तन मंडळीओ पण जोड़ाती होय छे, परंतु आ वर्षे सरकार जो अमने मंजूरी आपशे तो तेना तमाम नियमोने पालन करीने फक्त भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा अने भाई बलभद्रना एम 3 रथ साथे ज रथयात्रा काढवामां आवशे अने सरकार द्वारा आपेली तमाम सूचनाओनुं योग्य रीते पालन करवामां आवशे। यात्रा इस समय पूरे विश्व में कोरोना की महामारी के कारण अभी जो भी हम राजकोट में दर वर्ष 12 वर्ष से यात्रा बड़ी मंगल दिव्यमय आनंदमय सभी भावी भक्तों के साथ बड़ा ही पूरे राजकोट में सभी को जगन्नाथ जी दर्शन देते थे, बड़ा ही दिव्य आनंद आता था। इस समय कोरोना की महामारी के कारण ये हमारी 13वीं यात्रा है और अभी सरकार से मंजूरी के लिए हमने डाला है, जो भी सरकार का निर्णय और जो भी आदेश आता है उसके अनुसार यात्रा निकाली जाएगी, उनकी नियमों के अनुसार नियम पालन किए जाएंगे और हमारी विचार से यात्रा बड़ी ही सादगी तरीके से निकाली जाएगी। अभी तैयारी तो चल रही है, दर वर्ष की तरह तैयारी चल रही है, रथ साफ सूफ हो रहे हैं, भगवान के बागा वगैरह सब की तैयारी बनने की चल रही है, पगड़ी बनने की तैयारी चल रही है, कुंडल बनने की तैयारियां चल रही हैं ठाकुर जी की। फिर जो भी अभी सरकार के निर्णय के लिए जो भी मंजूरी का निर्णय आता है उसी के अनुसार पूरे शहर राजकोट में यात्रा निकाली जाएगी सभी भावी भक्तों संतों के साथ, उसमें भीड़ कम कर दी जाएगी, थोड़ी ही सी ही भीड़ हो जिससे कि सभी भावी भक्त जो हमारे आश्रम के स्वयं सेवक वो सभी लोग यात्रा तीन रथ रहेंगे उसमें, और इस समय ना कोई अखाड़ा ना कोई कीर्तन मंडली रहेगी, सिर्फ 3 रथ ही रहेंगे और उन तीनों रथों के अनुसार पूरे दिव्य आनंदमय ठाकुर जी अपनी परंपरा को निभाते हुए, जो हमारी परंपरा है उसको निभाते हुए अपने निज आश्रम आ जाएंगे। मंगलमय यात्रा शांतिपूर्वक अब सरकार के निर्णय के अनुसार यात्रा बड़ी दिव्य और मंगलमय निकाली जाएगी। सभी भावी भक्तों से अपने घर में ही रहें और टीवी पे लाइव देखें यात्रा का, वहीं से ठाकुर जी से प्रार्थना और दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। मंदिर के भक्त अभी इस समय जो हमारे स्वयं सेवक 100 लोगों को जोड़ने में साधु संत रहेंगे, सभी लोग 100 रहेंगे रथ को खींचने के लिए, 3 रथ हैं उनको खींचने के लिए सभी घुमाने के लिए, इसलिए 100 लोग रहेंगे।